अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन बिरयानी बना रहे हैं, लेकिन जो मसाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें, जो मसाला हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो होममेड बिरयानी मसाला बनाएंगे। उसी प्रोसेस को आपको दिखाते हुए ये टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिरयानी बहुत ही मज़ेदार में और देखने में भी बहुत लाजवाब आपको आज हम लोग दिखाएंगे। चलिए चिकन बिरयानी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, एक्चुअली हम लोग अक्सर जो बाज़ार में मिलता है, ज़्यादातर लोग वही गरम मसाला, मतलब जो बिरयानी मसाला है वही यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग नेचुरल वे में जो बिरयानी मसाला का प्रोसेस है, वो बनाने का प्रोसेस है, वो भी दिखाएंगे। उसी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जो बिरयानी मसाला हम लोग आज बिरयानी में यूज़ कर रहे हैं, वो मसाला प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इसी बाउल में हम लोग पहले कोरिएंडर सीड से ऐड करेंगे धनिया। इसके साथ साथ हम लोग इमीडिएटली ग्रीन कार्डमम ऐड करेंगे धनिया के साथ साथ। इसी में हम लोग ग्रीन कार्डमम ऐड करेंगे और क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा, ब्लैक पेपरकॉर्न, शाही ज़ीरा भी इसी में ऐड करेंगे और दालचीनी, सिनेमन और थोड़े इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से पहले इसी को हम लोग अच्छी तरह भून लेंगे। इसी में हम लोग ड्राई रेड चिल्ली, क्लोव्स, लवंग, जावित्री फूल और थोड़ा सा कसूरी मेथी और बेली अच्छे से रोस्ट हो गए बाद इसी को हम लोग मिक्सी में ब्लेंड करेंगे। बिरयानी मसाला पाउडर को हम लोग चिकन मैरिनेशन के वक्त उसमें ऐड करेंगे। पहले हम लोग इसी को ब्लेंड कर लेंगे, इसी गैप में हम लोग चिकन का मैरिनेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे। चिकन मैरिनेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए अच्छी तरह वॉश करा हुआ चिकन इसी में ऐड करें। पहले इसमें हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। इसी में हम लोग टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे ताकि देखने में टेम्प्टिंग लगे और मज़ेदार रहे। नेक्स्ट इसी में हम लोग कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ साथ ग्रीन चिल्ली पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट बना के जो पहले ही हम लोग प्रिपेयर करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे। इसी में हम लोग लेमन जूस ऐड करेंगे। जो बिरयानी मसाला हम लोग नेचुरल वे में प्रिपेयर कर रहे थे, जो हम लोग पाउडर बना रहे थे उसी वक्त इसी में हम लोग थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर रहे थे। यही बिरयानी मसाला को हम लोग
सारे चिकन पीसेस को अच्छी तरह अप्लाई हुए तक इसको मिक्स करेंगे। अगर बिरयानी हम लोग कल बनाना है तो इसी मिक्सर को हम मतलब एक बार मैरिनेशन का प्रोसेस करे बाद इसी को हम लोग नेक्स्ट डे डीप फ्रीज़र में इसको स्टोर करके मतलब मैरिनेशन के लिए रख देंगे 24 आवर्स या कितना भी, नेक्स्ट डे अगर बनाना है तो इसी को हम लोग डीप फ्रीज़र में रख के अगर बिरयानी बनाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर इमीडिएटली बनाना है इंस्टेंटली जैसे हम लोग आज बना रहे, इसके प्रोसेस के लिए इसी में हम लोग ब्राउन अनियंस ऐड करेंगे। और जो ब्राउन अनियंस प्रिपेयर करने के लिए जो ऑयल हम लोग यूज़ करे थे वो भी इसमें ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करे बाद हम लोग इमीडिएटली बनाना है, इसलिए इसमें हम लोग कर्ड ऐड करेंगे, उसके साथ साथ कोरिएंडर और फाइनली चॉप्ड मिंट मिक्स करके इसको और भी अच्छा मिक्स करेंगे। पहले इसमें हम लोग ब्राउन अनियंस ऐड करेंगे। माशाल्लाह ब्राउन अनियंस भी परफेक्टली बने हैं। इसी ब्राउन अनियंस को हम लोग मैरिनेशन के वक्त ही ऐड करेंगे। जो ब्राउन अनियंस फ्राई करने के लिए जो ऑयल यूज़ करे थे वही ऑयल इसमें ऐड करेंगे। कर्ड ऐड करेंगे, दही, इसी में हम लोग थोड़ा सा चॉप करा हुआ पुदीना ऐड करेंगे, पुदीने के साथ साथ धनिया भी ऐड करेंगे, कोरिएंडर, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम लोग अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आज हम लोग एक्चुअली बिरयानी दो किस्म के बनाए जाते हैं, कच्ची यखनी का, अगर इसी को डायरेक्टली हम लोग दम पे डालेंगे जो बॉइल्ड राइस को वही कच्ची यखनी का बिरयानी है। आज हम लोग जो बना रहे पक्की यखनी का, इसको हम लोग हाफ बॉइल करेंगे, उसके बाद हाफ बॉइल्ड राइस उस पर ऐड करके उसको हम लोग दम पे रखेंगे। सीरियसली बहुत ही मज़ेदार रहेगा। यकीन मानिए ये जो जितना यम्मी लग रहा है, जितना यम्मी दिख रहा है ये जो मैरिनेटेड चिकन, सीरियसली मुंह में पानी आ रहा है। इसी मैरिनेटेड चिकन को हम लोग 1 आवर तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे, उसके बाद जो राइस का प्रोसेस है राइस को बॉईल करेंगे और इसको जो हाफ बॉईल करना है उसको प्रोसेस भी देखेंगे। पहले इसको हम लोग हाफ एन आवर तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे। चिकन 1 आवर तक परफेक्टली मैरिनेट हो गया है। उसी चिकन को हम लोग इधर दूसरी तरफ हम लोग चिकन को पकाएंगे, उससे पहले जो राइस बॉइलिंग करेंगे उसके प्रोसेस के लिए इसी बॉल में हम लोग थोड़ा सा वाटर पहले ही ऐड करके गर्म करे थे, उसी में हम लोग और थोड़ा जितना सफिशिएंट ज़रूरत है उतना पानी इसमें ऐड करेंगे। पहले इसी में हम लोग रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसके साथ साथ सॉल्ट भी ऐड करेंगे। लिड क्लोज करके वाटर बॉईल हुई तक इसको बॉईल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो चिकन को बॉइलिंग का प्रोसेस है वो देखेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग प्योर घी ऐड करेंगे, प्योर घी जो मैरिनेटेड चिकन है वो इसी गरम घी में ऐड करेंगे।
इसी पे हम लोग जो पहले ही प्रिपेयर करके रखे थे ब्राउन अनियंस वो ऐड करेंगे। ब्राउन अनियंस के साथ साथ इसी में हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर और मिंट लीव्स ऐड करेंगे। प्योर घी, लिड क्लोज करे बाद इसी को हम लोग 40 मिनट्स तक दम पे रखेंगे। उसके बाद नीडी पीपल तक जाके उनको पेट भर रायता के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिरयानी खिलाएंगे।